ब्लॉकबस्टर फिल्म पद्मावत के लिए एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन निर्देशक संजय लीला भंसाली की पहली पसंद थी। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि भंसाली ने ऐश्वर्या की जगह दीपिका को कर लिया कास्ट? एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने इस रात से पर्दा उठाया। जब ऐश्वर्या से पूछा गया कि क्या वो दोबारा भंसाली के साथ काम करना चाहेंगी, तो उनका जवाब था हाँ। ऐश्वर्या ने बताया, हम बाजीराव मस्तानी में साथ काम करने वाले थे, लेकिन वो मेरे लिए बाजीराव नहीं ढूंढ पाए। वो चाहते थे कि मैं पद्मावत में भी काम करूं, लेकिन कास्टिंग के वक्त उन्हें मेरे हिसाब का खिलजी भी नहीं मिला, तो इस तरीके से चीजें नहीं हो पाई। मुझे उनके साथ दोबारा काम करने में खुशी होगी। तो माना जा सकता है क्योंकि निर्देशक भंसाली को ऐश्वर्या के ऑरा के हिसाब से खिलजी का किरदार निभाने वाला कलाकार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या की जगह दीपिका को काम दे दिया। मालूम हो कि फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती की भूमिका निभाई थी और रणबीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका में थे। ऐश्वर्या राय और संजय लीला भंसाली ने साथ में कई हिट फिल्में की हैं। देवदास, हम दिल दे चुके हैं सनम और गुजारिश जैसी तमाम फिल्मों में दोनों ने साथ मिलकर काम किया। खबर है कि भंसाली ऐश्वर्या और सलमान खान के साथ पद्मावत शूट करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।